हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 2 नवंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है तो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें 3.78% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 871.75 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जरूर देखने मिला है। कैंडल यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज की मिली, नीचे के साइड में छोटी सी हमें बारीक सी भी हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूं RSI की, RSI हमारा 61-60 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइट नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड का, लेकिन एक मोमेंटम किस तरह से बैठने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक 855 तक जो है हमें जरूर एक्सपेक्टेड नीचे आ सकते हैं, इवन थोड़ा सा और नीचे 848-846 तक जो आ सकता है। लेकिन वहां से हमें रिवर्सल देखने मिलेगा। रिवर्सल में सबसे पहले स्टॉक 860 के आसपास जो आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे करंट क्लोजिंग जो 871 है वहां पे आपको देखने मिलेगा। तो कुछ इस तरह से डाउन साइड मूवमेंट या अपसाइड मूवमेंट के जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए। बाकी क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मैं आपको जरूर रेकमेंड करूँ जितना हो सके इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी अगर आपको यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा 855 के नीचे कभी भी स्टॉक आए जरूर आप यहाँ पे जो बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा फिर एक मोमेंटम जो देखने मिलेगा। जैसे 855 के नीचे 100% कैपिटल, लेकिन 50-50 कैपिटल जो आप जरूर डाल ले। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए करंट प्राइस जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे ज्यादा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्टॉक कभी भी जो है आपको 805 के नीचे आते हुए देखने मिले जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। यहाँ पे 760-750 तक भी जो स्टॉक गिर सकता है, तो धीरे धीरे ज्यादा नहीं यहाँ पे 20-20% करके यहाँ पे जो है अपना कैपिटल जो है स्टॉक में ऐड करें। बाकी आपको क्या लगता है वो तो हमें कमेंट करके बताना। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी क्या, अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसा जो मार्क्ड है, लेकिन हमें यहाँ पे नया जो डेटा बनते हुए देखना है उन डेटा को जरूर जो मैं मार्क करके रख देता हूँ, ताकि यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट टाइम कभी भी स्टॉक इस रेंज में आए तो हम जो है अपना एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेड ले सके। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ज्यादा जो है डेटा नहीं और इस रेंज में भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे हमें जो है जितना अभी फिलहाल मार्किंग किया उसी पे यहाँ पे हमें जो है अपना जो है डिपेंडेंसी रखनी है और उसी के बेसिस पे अपना ट्रेड भी जो है वो लेना है। तो बात करता हूँ मैं क्लोजिंग की, क्लोजिंग 871.50 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 868.55 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 874.20 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर आप उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट
और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझा है, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेशन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेशन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 855.90 का, उसके बाद क्या आता है 839.35 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेशन के बाद क्या अगला रेशन आता है 880.25 का, उसके बाद क्या आता है 889.80 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेशन आपको बताया है, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर कल के दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग है एक्सपेक्टेड है 880 से लेके 889.80 के रेंज में क्लोजिंग का। बाकी गैप डाउन ओपनिंग ना हो उसे हमें जरूर देखना है, मतलब अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो स्टॉक जो है 868 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो स्टॉक हमें इजीली 855 तक गिरते हुए देखने मिलेगा। तो यहाँ पे कल के दिन गैप अप, यहाँ पे जो प्री ओपन मार्केट सेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक्सिस बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरह का गैप अप हुआ उसी साइड में जो यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने मिलेगा, और यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा मूवमेंट भी जो है जिस साइड में ओपन हो या जिस साइड में क्लोज यहाँ पे गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो उस साइड में जो बड़ा एक मूवमेंट आएगा, जरूर जब कल के दिन प्री ओपन मार्केट सेशन को जो देखे स्टॉक के लिए। बाकी कल के दिन आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, हमारा ओपिनियन जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग और इस रेंज में क्लोजिंग का है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर याद से यहाँ पे कमेंट करके बता देना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।